Student of class 2, how are you? Now today I am going to teach you हिंदी साहित्य. हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट आपका कछुआ और उसके दोस्त हैं. और ये कहानी एक कछुए की है और उसके दोस्तों की है. चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं. किसी को कमज़ोर समझकर उसका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है. वही कमज़ोर व्यक्ति दिखने वाला कभी हमारे काम आ सकता है. हमें कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम जिसे कमज़ोर समझते हैं वही हमारे काम आ जाता है. तो वैसे ही इस कहानी में हुआ. चलिए इसको शुरू करते हैं, रीड करते हैं. एक छोटा सा कछुआ था. इसे आप मेरे साथ रिपीट करेंगे सभी. एक छोटा सा कछुआ था, उसका नाम था दीपू. वह धीरे धीरे चलता था, इसलिए सभी जानवर उसे धीमो धीमो कहकर चिढ़ाते रहते. एक दिन जब वह घर जा रहा था, उसे रास्ते में एक बंदर मिला. धीमू, तुम सदा धीरे धीरे चलते हो, क्या कभी घर भी पहुंचते हो? ये बात किसने कही? बंदर ने कही. इतना कहकर बंदर छलांग मारता दूर चला गया. दीपू दुखी हो गया. घर पहुंचने पे दादाजी ने उससे पूछा. तो क्या था कि ये एक छोटे से कछुए की कहानी है जिसका नाम दीपू था. लेकिन क्या था कि वो बहुत धीरे धीरे चलता था, इसलिए सब लोग उसे धीमू, धीरे चलने वाले को क्या कहते हैं, धीमू धीमू कहकर चिढ़ाते थे. और एक दिन ऐसे ही वो जा रहा था तो अचानक से बंदर आया. बंदर ने उससे पूछा, बोला कि दीपू, धीमू, तुम इतने धीरे धीरे चलते हो, इतना जब स्लो चलोगे तो कभी घर पहुँच पाओगे? तो ये कहकर बंदर जो था वो छलांग मारते हुए, आपको तो पता ही है बंदर कितना उछल कूद मचाता है, वैसे ही वो बंदर छलांग मारते हुए यहाँ से वहाँ दूर चला गया. और दीपू बहुत दुखी हो गया. और जब वो घर पहुँचा तो उसके दादाजी ने उससे पूछा कि दीपू, तुम इतने उदास क्यों हो? दीपू ने रोते रोते सारी बात बताई. उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसे प्यार से समझाया. दीपू से सारी बात दादाजी ने पूछी, क्या हुआ तुम इतने उदास क्यों हो गए? तो दीपू ने बताया कि ऐसा हुआ, मुझे सब धीमू चढ़ाते हैं तो बंदर मुझसे ऐसी बात करने लगा. तो उसके बाद दादाजी ने उसे प्यार से समझाया कि दीपू, धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है. तो बुरी बात क्या है दादाजी, धीमू, दीपू बोला. तो दादाजी ने कहा, रुक जाना बुरा होता है, सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है. दादाजी ने कहा, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए. हम धीरे चल रहे हैं लेकिन कभी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए. कुछ बच्चे बहुत स्लो वर्क करते हैं लेकिन एटलीस्ट वो अपना वर्क तो कंप्लीट करते हैं, और कुछ बच्चे वर्क करते ही नहीं हैं. तो हमें काम जो है अपना वो करते रहना चाहिए, भले हम स्लो क्यों ना हो. अपनी स्पीड को बढ़ाइए थोड़ा सा अगर कोई स्लो वर्क करता है. दीपू दादाजी की बात सुनकर प्रसन्न था. प्रसन्न मीन्स खुश, खुश हो गया. दादाजी ने कहा कि धीरे चलने में कोई बुराई नहीं है, रुकने में बुराई होती है. तो ये बात सुनकर दीपू जो था वो प्रसन्न हो गया. यहाँ पे प्रसन्न जो है वो आप कठिन शब्द में भी लिखेंगे. प्रसन्न का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना. तो दीपू क्या हो गया? खुश हो गया. ठीक है. कुछ दिन बाद फलों का मौसम आ गया. अब क्या था, कुछ टाइम बीता और फलों का मौसम आया. और देखो यहाँ कितने रसीले फल लगे हैं. तो ये कुछ बंदर जो हैं वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि देखो वहाँ पे कितने मीठे मीठे रस भरे फल लगे हुए हैं, पर हमें तैरना नहीं आता, कैसे वहाँ पहुँचे? वो जो पेड़ था जहाँ पे रस भरे फल लगे थे वो नदी के बीचों बीच था. तो दीपू ने जब उन बंदरों की बात सुनी, दीपू उन बंदरों की मदद करने के लिए सभी कछुओं को बुला लाया. और उसने एक सेतु, यहाँ पे आपका सेतु जो है वो भी कठिन शब्द है और ये आपके शब्द अर्थ में भी है. सेतु मतलब आपने सुना ही होगा कि भगवान राम ने सीता मैया को बचाने के लिए, रावण से छुड़ाने के लिए समंदर में सेतु बनाया था, है ना?
तो सेतु क्या है, ये पुल है। तो ऐसे ही कछुए ने हेल्प करने के लिए क्या बनाया, बंदरों के लिए एक पुल बनाया। और सारे जो कछुए थे वो सब एक साथ लाइन से लग गए, जिससे कि एक सेतु बन गया। सब दोस्त उस पार तक साथ साथ जुड़कर खड़े हो गए। हो जाओ बंदर भाइयों, अब तुम हमारी पीठ पर चढ़कर नदी पार जाकर फल खा सकते हो। सारे बंदर कछुओं की पीठ पर चढ़कर नदी के बीच पेड़ पर पहुंच गए और उन्होंने रसीले फलों का आनंद लिया। आनंद लेना मतलब मज़ा करना। हमें कभी कभी हम कोई कोई चीज़ में हमें बहुत आनंद आता है कभी, तो ये वही आनंद है। आनंद मतलब मज़ा आना। ये सारे शब्द भी आप कॉपी में करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। तो बंदरों ने फल खाए तो उन्हें बहुत मज़ा आया। वापस आकर बंदरों ने दीपू से कहा, हमें माफ़ कर दो दीपू, आज पता चल गया कि तुम में बहुत सी खूबियां हैं। खूबियां मतलब अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, ठीक है। खूबियां हैं जो हम में नहीं है। बंदर कहते हैं, दीपू हमको आज पता चल गया तुम में बहुत अच्छी अच्छी खूबियां हैं जो हम में नहीं है। खूबियां वर्ड जो है, शब्द जो है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, वो आपके कठिन शब्द में भी होना चाहिए। अब दीपू उन बंदरों का मित्र बन चुका था। सच है, चलते रहना ही जीवन है। ये बात सही किसी ने कही है कि हमेशा चलते रहना चाहिए। कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें सदैव चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है कि लाइफ में कभी रुके नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हम उस मुसीबतों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है और चलते रहना है, जैसे इस कछुए ने इस कहानी में किया। और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि प्रसन्न है। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होना। रसीले मतलब रस से भरे हुए, जिसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है, वो फ्रूट। सेतु मतलब पुल, और आनंद मतलब मज़ा। इसमें आप लोग सभी बच्चे इस जब आप इस चैप्टर को करेंगे तो चैप्टर का नेम मेंशन करके फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आप लोगों को ये कोई भी एक पिक्चर जो आपको बहुत इजी लगे इस बुक का, वो आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद आप कठिन शब्द करेंगे, उसके बाद आप शब्द अर्थ करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना काम आपको कॉपी में करना है। और जो वर्कशीट्स आपको मिल रही है उसे आपको बुक में ये फिल करना है, और जो कॉपी में करना है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं, और वो पिक्चर्स, शब्द अर्थ और कठिन शब्द। और ये जो पेज है गतिविधियों वाला, एक्टिविटी वाला 19 पेज नंबर, ये आप लोगों को करना है। इस 19 पेज नंबर में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो आपको बताया है। आप जानते हैं कछुआ 150 साल तक जीवित रहता है। कछुए के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है अगर आपको, तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय।